डेकोरेशन देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा ही प्यारी हो रखी है भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में बताएगा जरूर। काफी दिनों बाद मैं आया हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए और मैं अपने भाई के साथ हूँ। भाई हाय। भाई बताओ, ऑडियंस को हम कहाँ जा रहे हैं आज? आज हम जा रहे हैं भाई इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल आज हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम वहाँ पे देख सके कि जन्माष्टमी की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए हम लोग एक दिन पहले जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कल जन्माष्टमी है। भाई क्या फीलिंग है? भाई बड़ी अच्छी फीलिंग है, मंदिर वंदिर भाई जाना चाहिए। और आज देखते हैं वहाँ कैसा क्राउड रहेगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ रहेगी। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आज हमें वहाँ। तो अब चलते हैं आगे, हमारी धनो तैयार है। चलो भाई, चलो भाई। तो हमने हेलमेट तो पहन नहीं रखा है भाई। हाँ, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। थोड़ा नंबर प्लेट में पैर रखते हुए जाएंगे। अभी वहाँ पहुँचना है। ये देख रहे हो कैमरे, ये देख रहे हो गाड़ी कैसे लगाई है, गाड़ी कैसे लगाई है। ये इसे कहते हैं NCR क्षेत्र, टूर ऑन टॉप रहना चाहिए। और ये हम कैमरे के पास ही खड़े हैं। अब हम इस कैमरे को क्रॉस करेंगे बिना हेलमेट के। भाई ने देख लो, भाई का सर खाली है बिना हेलमेट के। हम लोग ये देख रहे हो नंबर प्लेट छुपाने का तरीका, ये होता है इन कैमरों से बचने के लिए। अगर आप लोगों को जानना है तो हमारी आगे की ब्लॉग देखते रहना, क्योंकि हम यही करते हैं। देखो भाई, हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे, रेड लाइट क्रॉस करेंगे बिना हेलमेट के दोनों भाई। तो भाई हमारी धन भाग रही है, एक के बाद दो माता है इधर इधर भाई। तो फाइनली गाइस, भाई हमें गलत रास्ते पे ले आए, गलती से मिस्टेक हो गई भाई से, क्योंकि मैंने रास्ता बताया नहीं। हम दोबारा वापस आएंगे। आर्ट बनाए हर सफर सुहाना, ये है नोएडा के प्यारे प्यारे नजारे। और भाई जैसे प्यारे प्यारे लोग वो सबको भाई क्षेत्र में बदमाशी पूरी होनी चाहिए, लड़ाई तो होती रहती है। देख रहे हो अंकलों की लड़ाई बाज रही है। ताऊ ने पेल दिया, ताऊ ने पेल दिया रिक्शे वाले को। आओ बे, मारो 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 मारो। ये अरे ये देख रहे हो भाई, इस्कॉन मैच दिखने लग गया है, यहाँ क्रिकेट चल रहा है। अगर गाइज आप लोगों को नोएडा हाट की व्लॉग चाहिए हो तो कमेंट में बताना, मैं नोएडा हाट भी आपको दिखाऊंगा। अगर मेरी इस वीडियो पे आप अच्छी लाइक ले और कमेंट में बता देना। गाइस बैरिकेडिंग इतनी है कि हमें इतना गोल गोल घूमना पड़ रहा है कि हम बता नहीं सकते। देख रहे हो कहाँ तक बैरिकेडिंग चल रही है। ये सब क्राउड के लिए, क्योंकि आज और कल दोनों दिन बहुत क्राउड रहने वाला है। मैं आपको वीडियो में जितना हो सके उतना दिखाऊंगा कि एक दिन पहले डेकोरेशन कैसी चल रही है, कैसा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, ताकि अगर आप लोगों को मन करे कभी आने का जन्माष्टमी के टाइम तो आप जरूर आए यहाँ पे। बाकी लोकेशन में आपको एंड में जरूर बताऊंगा यहाँ की। ये रॉन्ग साइड, ये पुलिस वाले अंकल आप देख रहे हो तो इनका चालान काट देना। ये देख लो, ये भी दो गाड़ी है। अगर अंकल आप देख रहे हो तो चालान काट देना। ये एक और गाड़ी देख लो, उनका सबका चालान काट देना। हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मार्केट लगा पड़ा है, सामान मिल रहा है यहाँ पे लड़कियों का। और ये पुलिस वाले अंकल खड़े, हमने अपने धनों से पहले पीछे खड़ी कर दी। क्यों भाई, कल की तैयारी बहुत प्यारी चल रही है। कल तो लग रहा है ज्यादा ही माहौल सेट रहेगा। बिल्कुल, ये बाबा आदम के जमाने की गाड़ी खड़ी है। यहाँ से असली शुरुआत होने वाली है इस्कॉन की, सिक्योरिटी के लिए छोटे बच्चे मोर के पंख बेचते थे। भाई जैसे जैसे पास बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कैसा फील हो रहा है? भाई एक्साइटिंग का फील हो रहा है बहुत ज्यादा। और देख सकते हो आप जैसा भाई चल रही है चीजें, शोरो शोर और सही क्राउड अच्छा हो रखा है यहाँ पे।
और ये देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे फूल बेच रहे हैं, डेकोरेशन भी बहुत प्यारी हो रखी है। तो गाइस आप लोग आना चाहे तो आ सकते हैं, जन्माष्टमी से पर एक दिन पहले है, मेरे को लग रहा है कल तो बहुत भीड़ हो जाएगी है। कल तो भाई हालत खराब हो जाएगी, आज ही देखो भाई किस हिसाब से उन्होंने तैयारी कर रखी है। आज ही देखो, और भीड़ आज से ही चालू हो गई है, जब आज से इतनी भीड़ है तो कल से तो पता नहीं क्या ही होगा। डेकोरेशन देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा ही प्यारी हो रखी है भाई। यहाँ पे मथुरा के फेमस पेड़े मिल रहे हैं, जिसको लेने हो वो यहाँ से लेके भी जा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सजावट कर रखी है यहाँ की भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है इसको, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, कितना प्यारा सजा रखा है। अब हम ऊपर जा रहे हैं आरती देखने के लिए, देख रहे हो बहुत भीड़ है गाइस। काफी क्राउड है यहाँ पे भाई, इतना क्राउड है तो कल कितना ही होने वाला है हम सोच सकते हैं, बट नहीं की है श्रद्धा देख के, ये आस्था देख के भाई बहुत खुशी मिलती है। लाइक प्राउड टू बी एन इंडियन। यहाँ पे कृष्ण जी के लिए डांस भी किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत वाइब मिल जाती है यहाँ पे, लाइक सच में भाई ये सब देख के ना अपना इंडियन कल्चर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। आप बताइए आपको कैसा लगता है। देख ही सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना क्राउड है, ऊपर से लेकर नीचे तक भीड़ ही भीड़ दिख रही है, सिर्फ भीड़ है, सिर्फ भीड़ है भाई। और हमें यहाँ से हमारे कृष्ण जी देखने को नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से दिखेंगे, हम अपना एंगल चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप भीड़, वैसे कृष्ण जी की भक्ति ऐसी है ही जो लोगों को खींच ही ले आती है, आप कितना भी कोशिश कर ले खुद को रोक नहीं पाएंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और ये हमें कृष्ण जी हमारे तो जिन जिनको इनके आशीर्वाद चाहिए अपने अपने हाथ खड़े कर और आइए, आप भी कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाइए। तो सभी भक्तजन अपने हाथ ऊपर कर ले, जो भी वीडियोज देख रहे हैं वो भी कर ले। इतना क्राउड है वहाँ से जाने का बाहर मिल नहीं रास्ता, तो हम लोग वापस इसी रास्ते से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस जैसे तैसे हम दोनों ने एग्जिट करी है भाई, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत मेहनत लगी बाहर आने में भाई, बहुत ज़्यादा पसीने छूटे अंदर तो बड़े उसमें चले गए टोरे टोरे में, बाहर आने में जैसे कि ये बाहर के नज़ारे हैं, काफ़ी प्यारा सजाएगा रात में तो और प्यारा लगेगा। ये तो आना है, आइएगा ज़रूर, पर मैं तो यही कहूँगा कि भीड़ में आना अवॉइड कर। देख ही सकते हैं जैसे कि शाम होती जा रही है तो वैसे वैसे लाइटें जलती जा रही है, और लाइटें जितनी जलेगी उतना और प्यारा लगेगा, तो रात में तो और प्यारा लगेगा। जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पर,
कल और प्यारी लगने वाली है ये जगह। अब हम अपने घर के लिए आगमन हो रहे हैं। हम यहाँ से अपना अपने शूज लेंगे, ये टोका है। ये भी देख के आना है अभी। कल हम दोबारा आएंगे जन्माष्टमी वाले दिन देखने के लिए कि हमारा प्यारा स्कॉन कैसे लगता है, और कल मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊंगा। भाई ये देख रहे बीजे भाई का क्रेज बहुत प्यारा, भाई पूरा हब बैठा रखा है। सिस्टम क्रैश करेंगे ये। तो गाइस जैसे कि हमने देख लिया आज की जन्माष्टमी से एक दिन पहले कैसा सजा रहता है अपना इस्कॉन टेम्पल। अगर आप लोगों को इसका एड्रेस जानना है तो कल मैं पूरा इस्कॉन टेम्पल के एक और वीडियो बनाऊंगा कि जन्माष्टमी वाले दिन कैसा लगता है। आज मैंने आपको पूरा टूर करवाया। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।